ये देखिए जी, क्या कर रहे बाबूजी? हैं, हाथी तो है नहीं, खिलौना लग रही है क्या खिचड़ी। कर रहे? ये दो दाने रखे, अरे नवी खाए जा रहे ये हैं? उठा दे, नीचे गिर दे। देख 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 देख, ढूंढ रही ढूंढ रही नीचे। हाँ अरे, नीचे तो ये अच्छे लगे हैं सब। नीचे से उठा के खा लेगी, मगर हाथ में से नहीं खाने की। भाई बेटे, अरनी का, अरनी खालो का लो, देखिए आ रही सारी, आओ खा लो, किन्नी लगती, खाते ही नहीं कुछ नहीं। पहले इसका, इसे ठीक होने दे एक बार। इसका बुखार तो नहीं चढ़ रहा ना जिसने? अन्निका, देख पापा कहाँ है बेटे। ओ बाय करो, बाय माम, माम करो, माम माम। आज उठ के माम माम कर दो, करिए बाबू जी। अच्छा बच्चा, आज उठ के माम माम कर दो सभी को, करिए कर दो, बाय कर दो सबको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल व्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। और अभी जो है यहाँ पे अर्निका ले रही है रस और इसे खाने हैं। ये कुरकुरे दिख रहे ना, कड़ कड़ बोल रहे थे, इसे अच्छे लग रहे हैं ये, एक दो दांत मार दे इसमें। और अभी मम्मी को बोल रही, मम्मी मम्मी बोलिए बेटा, मम्मी कही हो? बोलियो मम्मी, बाय तो कर दो सबको। हाँ सूझ तो आपके हैं, मम्मी बोलो मम्मी। और जब अपने मन मर्जी की मालिक है, अगर इसका मन होगा तो बोल लेगी, नहीं होगा तो नहीं। सही मम्मी मम्मी और मम्मी तो इसमें साफ कहना है बिल्कुल। हाथ ना धरा इस पे, हाथ अच्छा बेड पे हाथ ना रख तू। ना लगा बेड हाँ पर। चलो भाई, लो हमने चलो लगाते सारे बेड पे हाथ, देख। इसलिए नहीं लगाने दे रही क्योंकि मेरा गद्दा ना अभी नीचे पड़ा हुआ है। और आज ना इसे गद्दा सुखाएंगे। और इसने सारे कपड़ों पे उल्टी कर दी, सारे कपड़ों मतलब कंबल का खोल निकाला, नीचे की चादर भी, और इसे भी गिल्ला हो रहा है, इसे भी ऊपर धूप में डाल के आऊंगी अब सुखाने के लिए क्योंकि गिल्ला हो रहा है। फिर अंडिया का और मेरा बिस्तर आया यहाँ पे है, मुझे बेड पे हाथ भी लगाने दे रही। तो सभी जो है ये मैंने निकाल के रख दिए हैं यहाँ पे पीछे, मतलब इसका कवर वो धो जाएगा। तो अभी चलते हैं छत पे, छत पे लेके चलते हैं पहले गद्दा फिर कंबल लेके चलेंगे। ऐसे चला लड्डू चला गया, हाँ छत पे चल रही, चलो आ जाओ। अगर मम्मी के साथ खेल रहे हैं इसी ठीक है लगी। फेंक फेंक के मार रही है तो रस पीज देखो। तो चलिए गाइस, बने रहिए अभी हमारी वीडियो में एंड तक। अर्णिका के पापा अभी खेत में गए हैं क्योंकि वहां पे आज निकाला जाएगा खाद। और पापा भी गए हैं, चाचा जी भी गए हैं, तीनों जने गए हैं। पापा साइकिल से गए हैं, चच्चा बुग्गी लेके गए हैं, और अन्य पापा बाइक से गए हैं। पहले खाद का कट्टा लेके जाएंगे वे, और फिर वहां पे खाद निकालना जाएगा। तो चलो जी अभी अपना काम कर लेते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, जय माम माम करियो, कर दो माम, हटका कर दो। अच्छा माम, दोबारा से करियो माम माम कर, दोबारा दोबारा कर दो माम माम, दोबारा करियो बेटा, करिए चलो दे, दोबारा करो कर दे करियो। माम माम करा है मेरे बाबूजी तो। अच्छा बच्चा है, ओ इतना बड़ा हो, लड्डू कड़वे नीम से भी बड़ा। बाय भी कर दो, सभी को, बाय भी करो। सभी को कर दो भाई। इतना ये जय, कितना बड़ा लड्डू, हाँ इतना। और अब तो इससे थोड़ा बोलना भी आ गया, सभी कहने लगी चचा, बब्बा, मम्मी, पापा, बुआ, सब चीजें कहने लगी। अरे इतनी जिद में आया, अगर इसे कहे ना बब्बा बोली मम्मा बताया ना, मम्मा अगर मम्मा कहोगे तो बब्बा बोल लेगी, इसे इतना पता। चलो डांस कैसे करते हैं, डांस कैसे कैसे करो, कैसे नाचे हैं, कैसे नाचे हैं, डांस कैसे करते हैं, डांस डांस बता दो। ऐसे करे ऐसी डांस, सुबह क्या था, सारी उल्टी कर दी इतनी ज्यादा, जितना दूध पिलाया सारा निकाल दिया था। और दूध पिलाना क्या है, ऐसी जिसे ना जैसे शीशी से पीती दूध, ना कटोरी से पीती, इसे सोती सोती को ना जो दवाई देने का ड्रॉपर है उससे पिला रहे हैं हम, उससे मतलब कि इसे छका रहे थोड़ा बहुत। जो इसकी आँख खुल जाना वो भी नहीं पीती, पता नहीं क्या हो रहा, टोक लग रही इसका क्या हो रहा। देखिएगा इस यहाँ पे अभी मैं लग चुकी हूँ कपड़े वगैरह की तय बनाने में। और थोड़े से जो कपड़े वगैरह होते हैं तो जो उल्टे सीधे हो जाते हैं, फिर उन्हें निकाल के रोज तय बनानी पड़ती है। और जी यहाँ पे देखिए अभी मैं सभी कपड़ों को तय बना के जो है जिसके जहाँ पे रखने हैं वहीं पर रख देंगे, क्योंकि अर्णिका वाले अर्णिका के डोर में रखते हैं, और अर्णिका के पापा के और मेरे हम अपने अलमारी में रखते हैं। वैसे सेफ में नहीं रखते क्योंकि बार बार खोलना बंद करना ये सब चीजें, तो यहीं पे अलमारी में रख लेते हैं। ऊपर की साइड हम बेड की चद्दर वगैरह ये सब चीजें रख लेते हैं। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि
वंदना को क्या हुआ है, प्रेगनेंसी है, ये सब चीजें हैं। तो जी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा नियम चल रहा है। अम्बाला जी गए थे, उसे बोलते हैं चिल्ला, तो हमारा वो चल रहा है, नियम चलते हैं, थोड़ा खाने पीने का होता है, पूजा पाठ होती है, तो ये सब चीजें, तो बेड पे नहीं बैठना और मतलब कि चारपाई पे नहीं बैठना, ये सब चीज़ें, मतलब खुशबू की चीज़ें नहीं लगानी, यहाँ तक कि क्रीम वगैरह मतलब कुछ नहीं लगाना, साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाना, ये सब चीज़ें अपना जो नियम होता है वही सब, मतलब कि सबको पता है, जो कोई बालाजी धाम जाता है ये जो चिल्ला चलता है। तो जी अभी बस मेरा है 1 महीने का फ्रेज, तो फिर उसके बाद तो मैं सोच रही थी कि सभी के साथ थोड़ा सी बातें शेयर करूं, क्योंकि कमेंट आते रहते हैं कि आप ये क्यों नहीं कर रहे, आपकी सास खाना क्यों बना रही है। मेरा ऐसा नियम है कि 6 बजे के बाद मुझे बाहर नहीं निकलना बिल्कुल भी, मतलब कि घर से बाहर नहीं, कमरे में अंदर बैठ जाती हूँ, सुबह 7 बजे के बाद निकलते हैं। ऐसे है कि रात के टाइम बिल्कुल भी आसमान नहीं देखना, तारे नहीं देखने। तो जो अपने नियम होते हैं, अपना फरेज होता है, देखो जी पुगाना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान को दुख होता है, दुख में ही कोई कुछ मतलब कि फरेज करता है, अनिवार्य सुख। अभी मैंने आपको बता दिया है कि हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है। जी दोपहर का टाइम है, दोपहर के बज चुके हैं 12। हम सुबह से लगे हुए थे खेत में, खेत में क्या कर रहे थे, ये जो ढेरी देख रहे हैं आप खाद की, ये डाल रहे थे और यहाँ से खाद उठा रहे थे, यहाँ से उठाया है ये, और बुग्गी जो है अभी जाने लग रही है, हमारी बुग्गी आपको दिखेगी वो रही पीछे। चाचा जी जो है बुग्गी को लेकर राजन चल दिए है, अभी हमें जो है खाद डालना है, खाद जो है मैं लेके आया था जिंजाने से, जिंजाना पड़ता है हमारे पास में, और यह है यूरिया। तो बाइक हमारी हमारे दोस्त ले गए हैं और सामान फावले वगैरह ये रखे, अभी चलते हैं गेहूं वाले खेत में जहाँ पे पापा खाद डाल रहे हैं, अभी लेके गए थे झोल में भर के। और ये हमारी सरसों है, काफ़ी अच्छी खड़ी है, बहुत ही बढ़िया और अच्छी भी लग रही है, मोटी मोटी है वैसे तो, मगर इसमें अभी खाद डाला जाएगा, बाहर से ही फेंक दिया जाएगा चारों तरफ से। अभी फूल भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और सरसों बन चुकी है वैसे तो, बीज इसमें हो गया है तैयार, मगर जो हल्का हल्का फूल दिख रहा है ये भी हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और आगे है हमारे खेत गन्ने का, फिर है गेहूं का। तो गेहूं में हमने 8-10 दिन हो लिए, घास हो गया था तो स्प्रे की थी, अब वो ठीक है और गेहूं थोड़े उभरे नहीं अब की बार, मगर हो जाएंगे ठीक। पापा लगे हुए हैं उस साइड से खाद डालने के लिए, ये रहे। यहाँ पे खेत के कपड़े पहन रखे और डाल रहे हैं इस साइड में इस तरीके से, पर ये अपने आप ही डालते हैं खाद, हम डालेंगे तो इनको ऐसा लगता है कि ये काम अच्छे से नहीं करते, तो अपने आप अपने हिसाब से करते हैं सारे काम। और कल भरी जाएगी गन्नों की बुग्गी। तो कहाँ है पापा, हैं कहाँ है पापा, उंगली करके बताओ, ये है पापा, हैं मस्ती है, देख कैमरा चेंज कर दिया पापा, बोलो पापा, मम्मा 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 मम्मा, डरा दो सबको, डरा दो, चलो डांस करके दिखाओ, डांस करके डांस करके दिखाओ, डांस डांस करो, डांस कहाँ से होगा, पापा के पास है, मम्मी के पास, कहा है मम्मी, कहा है मम्मी, ऐसे डांस करेगा, चलो लेट जाओ बेटे, जा कहा लेट जाओगे, पापा के पास कर दो। तो
गाइस अभी शाम का टाइम हुआ है और अभी जो है खाना वाना सभी का हो चुका है। मम्मी का पापा का बिस्तर इधर लग चुका है, उधर रिजाई है क्योंकि अभी पापा नीचे गए हैं कुत्तों को रोटी देने के लिए। और तो चलिए जी अभी अपनी वीडियो को कर देते हैं यही पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको अपने कच्चे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।